गैलेक्सी M34 का ये पहला फीचर काफ़ी कमाल का है। सेटिंग्स में जाने के बाद मोड्स एंड रूटीन में जाकर जब आप रूटीन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको एक्शन रिएक्शन का ऑप्शन, यानी कि इफ एंड देन का ऑप्शन, किस कंडीशन में आपका फोन हो और फिर वो क्या एक्शन ले। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, यहाँ पर इफ में जाकर मैंने सेलेक्ट किया इनकमिंग कॉल। इनकमिंग कॉल में आने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि सभी का इनकमिंग कॉल आए तब फोन ये एक्शन ले या किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ सैमसंग हेल्पलाइन, यानी कि अब इस नंबर से अगर मेरे पास फोन आएगा उस कंडीशन में मेरा फोन क्या बिहेव करे, क्या एक्शन ले, उसके लिए मैं यहाँ देन में जाकर ये कई सारे एक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी चलती हूँ तो मैं पावर सेविंग मोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि जब भी इनका फोन आए मेरा फोन पावर सेविंग मोड पर चला जाए, वाइब्रेशन ऑन हो जाए या फिर म्यूट पर चला जाए, या फिर केवल एक बार बीप करे, कोई और पर्टिकुलर रिंगटोन में लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि पूरे नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि जब भी इनका फ़ोन आए वॉलपेपर चेंज हो जाए, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन हो जाए, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो किसी लोकेशन पर पहुंचकर अपना वाईफाई ऑन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचकर अपनी मोबाइल डाटा की कमांड दे सकते हो। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये। दूसरा फीचर जुड़ा है प्राइवेसी से, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा हैक होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जानना जरूरी है कि आपका कौन सा डाटा कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, कहीं कोई आपका कैमरा यूज़ तो नहीं कर रहा, कोई छुपकर शायद आपका माइक यूज़ कर रहा हो। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्राइवेसी के अंदर, और प्राइवेसी में आपको ऊपर ही दिखता है कि किस एप्लीकेशन ने कब आपका कैमरा एक्सेस किया, कब आपका माइक एक्सेस किया, कब आपकी गैलरी एक्सेस की। और इससे आप ये पता कर पाओगे, ये पूरी अच्छे से ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कौन सा डाटा कब यूज कर रहा है। इसके अलावा तीसरा फीचर भी काफ़ी कमाल का है, जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा और इजी बनाएगा, वो है साइड की का, यानी कि साइड की को डबल प्रेस करने पर आपका फ़ोन क्या एक्शन लेगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट पर कैमरा सेलेक्ट होकर आता है, एडवांस फीचर्स के अंदर जाकर साइड की में आप इसे एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर कैमरा ही आता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर टॉर्च लगा रखा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको टैप करना होगा ओपन ऐप पर। ओपन ऐप पर जाने के बाद आपको मिलती है एप्लीकेशंस की लिस्ट, यानी कि डबल प्रेस करने पर साइड की को इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑन हो जाए। मैंने टॉर्च सेलेक्ट कर रखा है, और काफ़ी कमाल का फीचर है ये। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो बस आपको दो बार अपना पावर की प्रेस करना है ना, अपने फ़ोन को अनलॉक करना है, नोटिफिकेशन पैनल भी नहीं गिराना है, और आपका टॉर्च लाइट ऑन, अगेन डबल प्रेस करने पर ऑफ। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ और फीचर्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एडवांस फीचर्स के अंदर ही आपको मिलता है मोशन एंड जेस्चर्स का फीचर, जो कि काफ़ी कमाल का है। इसी के साथ आपको गेम लॉन्चर भी देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी कमाल की चीज़ है, डिफ़ॉल्ट पर ये ऑन ही रहता है। इसके अलावा डुअल मैसेंजर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप दो फेसबुक या दो व्हाट्सएप अपने फ़ोन पर यूज कर सकते हो। चौथा फीचर जुड़ा है मल्टी विंडो से, जिससे सैमसंग ने बीच में कर दिया था बंद। तो ये आपको मिलेगा एडवांस फीचर्स के अंदर, लैब्स के अंदर। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं मल्टी विंडो से रिलेटेड, और यही मिलता है आपको स्वाइप फोर पॉपअप व्यू का ऑप्शन। अब ये काफ़ी कमाल का है, अपर कॉर्नर से जब भी आप मिडिल की तरफ स्वाइप करते हो तो जो भी एप्लीकेशन उस समय ऑन होगा उसका पॉपअप वर्जन आपकी स्क्रीन पर होगा, जिससे आप किसी दूसरे एप्लीकेशन की लेआउट से भी एक्सेस कर पाओगे, कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो इसी पॉपअप व्यू को। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप यूट्यूब में ले सकते हो, यूट्यूब का पॉपअप बनाकर उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड पर आपका गाना भी चलता रहेगा, आप कोई एप्लीकेशन भी यूज करते रहोगे, और ये कुछ इस तरह लगेगा जैसे कि आपने यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अगला फीचर अकेले गैलेक्सी M34 का नहीं है, लेकिन ये फीचर काफ़ी कमाल का है और लगभग सभी एंड्रॉइड डिवाइसेज में आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल वेलबींग का। ये ट्रैक करता है आपकी फुल एक्टिविटी की, कितनी बार आपने अपने फ़ोन को अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन रिसीव हुए, कितनी देर तक आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया। इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कहीं फेसबुक आप ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहे, कहीं यूट्यूब आप हद से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहे, कोई गेम आप हद से ज़्यादा प्ले तो नहीं कर रहे। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर है, और यहाँ से डेली एक्टिविटी ट्रैक करने के बाद आप ये देख पाओगे कि आप अपने फ़ोन को कितना यूज़ कर रहे हो और अपने दिन का कितना टाइम आप अपने केवल फ़ोन पर बिताते हो। छठवां फीचर से काफ़ी कमाल का ये है वीडियो कॉलिंग के लिए, यानी कि वीडियो कॉल लवर्स के लिए। सेटिंग्स में जाकर एडवांस फीचर्स में आपको मिलता है वीडियो कॉल इफेक्ट का फीचर। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, उसका बैकग्राउंड शो ना हो, तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड हाइड करने का फीचर देखने को मिलता है। अवेलेबल एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएंगे जैसे ही आप प्ले स्टोर से उन्हें डाउनलोड करते हो। मैंने अभी कोई भी एप्लीकेशन यहाँ डाउनलोड नहीं किया, तो जिस भी एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल करते हो उसमें यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कलर या फिर कोई पर्टिकुलर पिक्चर जो आप गैलरी से एक्सेस भी कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर लगा। ये फीचर है तो काफ़ी ज़रूरी, लेकिन कंपनी ने इसे काफ़ी अंदर छुपा कर रखा है।
बैटरी की हेल्थ से जुड़ा ये फीचर आपको बैटरी के अंदर ही जाकर मिलता है। यहाँ पर आपको जाना होगा मोर बैटरी सेटिंग्स में और लास्ट में आपको मिलेगा प्रोटेक्ट बैटरी का फीचर। यानी कि सैमसंग के मुताबिक अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी केवल 85% तक चार्ज करते हो तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू 100% यानी कि फुल चार्ज करने से। तो 85% पर अगर आप बार बार ना निकाल पाओ अपने फ़ोन को तो यहाँ से आपको फीचर मिलता है कि 85 पर ऑटोमेटिक आपका फ़ोन कट ऑफ हो जाएगा पावर से और 85 से ज़्यादा आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी। अब आते हैं एक ऐसे फीचर्स की तरफ जो कि है काफ़ी ज़रूरी, लेकिन सैमसंग के अलावा आपको किसी भी ब्रांड में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा और वो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। डायलर में जाकर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलता है रिकॉर्ड कॉल का फीचर और यहाँ से आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ज़्यादातर किसी भी ब्रांड में नहीं देखने को मिलता और जिनमें आता भी है वहाँ पर सामने वाले के पास एक वार्निंग जाती है, लेकिन सैमसंग के डिवाइसेज में आपको कोई भी वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी। अब बिना वार्निंग के ही कॉल रिकॉर्ड्स कर सकते हो, हालांकि ये इलीगल भी हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फीचर्स तो 50 से भी ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं किए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एज लाइटिंग, सिक्योर फोल्डर, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से है रिसाइकिल बिन। सैमसंग के सारे एप्लीकेशन में आपको रिसाइकिल बिन का फीचर देखने को मिलता है। गैलरी, माई फाइल्स, कॉन्टैक्ट, यानी कोई भी डाटा जब आप डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में 30 डेज तक स्टोर रहता है। इसी के साथ आपको एक दिखाता हूँ जादू, यानी कि सैमसंग की गैलरी में जो आपको वीडियो एडिटर देखने को मिलता है वहाँ से आप कई सारे कमाल के फीचर्स एक्सेस कर सकते हो और इसी में से एक है ऑब्जेक्ट इरेजर। आप यहाँ से पूरा देख सकते हो कैसे मैंने इसे एक्सेस किया है। तो ये मिलता है आपको ऑब्जेक्ट इरेजर। अब जैसे ये जो एक फ़ोटो है इसमें सामने रखा नमकीन का पैकेट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यहाँ से कट कर दूँ, तो सिंपल सा मैं इसे टैप करके भी हटा सकता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करके भी हटा सकता हूँ। अब यहाँ पर बस इस पर टैप करने के बाद मुझे इरेजर पर क्लिक करना है और ये पैकेट गायब। हालांकि सैमसंग के इस इनबिल्ट गैलरी वीडियो एडिटर से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मल कोई फोटो कैप्चर किया है और बाद में आप पोर्ट्रेट इफेक्ट चाहते हो तो सिंपल सा एक क्लिक पर आपका पोर्ट्रेट मोड भी आ सकता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट इरेजर मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टिप्स एंड ट्रिक्स, ये जो 10 फीचर्स मैंने आपको बताए वो काफ़ी कमाल के लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।